हेलो बच्चों, नमस्कार। मैं डॉक्टर योगेश शर्मा, व्याख्याता भूगोल, लकी एजुकेशन फैमिली में एक बार फिर से आपका सभी का स्वागत करता हूँ। बात चल रही है हमारी 10th क्लास की SST की। चैप्टर नंबर चल रहा है हमारा 8वां, जल संसाधन। बात कर रहे हैं हम, पिछले लेक्चर में मैंने बात की थी राजस्थान की परियोजनाओं की, जिसमें मैंने इंदिरा गांधी नहर परियोजना तक आपको करा दिया है। 3 मैंने केंद्रीय परियोजनाएँ कराई हैं, बहुउद्देशीय परियोजनाएँ, और उसके बाद में मैंने राजस्थान की परियोजनाएं, जिनमें इंदिरा गांधी नहर परियोजनाएं करा दी हैं, बीसलपुर परियोजना भी मैंने आपके लिए करा दी है। अब चलते हैं अन्य प्रमुख जो परियोजनाएं राजस्थान की, वो कौन कौन सी हैं, उनकी हम बात कर रहे हैं। राजस्थान में कुछ छोटी छोटी परियोजनाएं भी हैं जो अलग अलग क्षेत्रों में चलाई गई हैं। इन परियोजनाओं के द्वारा छोटे छोटे क्षेत्रों की या राजस्थान के जो ज़िले हैं उनमें जो निर्मित तहसील या गांव हैं उनके लिए जलापूर्ति की जाती है, सिंचाई के लिए भी, पेयजल के लिए जलापूर्ति की जाती है। अब कौन कौन सी परियोजनाएं कौन कौन सी नदी पर निर्मित की गई है और कहां कहां ये कौन कौन से क्षेत्रों को पानी की जलापूर्ति करती हैं, पानी की जलापूर्ति करती हैं, तो आगे चलते हैं, बात करते हैं राजस्थान की अन्य प्रमुख परियोजनाओं में हम। और जो पहली परियोजना है उसका नाम है जाखम परियोजना। अब देखिए, ये परियोजना बड़ी इंपॉर्टेंट हो जाती है। इसमें से सीधा क्वेश्चन आता है जाखम परियोजना में से, जब भी आएगा एक नंबर का क्वेश्चन आता है कि जाखम बांध कौन सी नदी पर बनाया गया है। अब चूंकि नाम से ही पता चल रहा है कि जाखम परियोजना है, तो ये जाखम नदी पर होगी, सीधी सी बात है। तो यह परियोजना प्रतापगढ़ जिले के, प्रतापगढ़ एक जिला पड़ता है राजस्थान का, और उसमें एक तहसील पड़ती है अनूपपुरा तहसील, अनूपपुरा तहसील। तो यह परियोजना प्रतापगढ़ के अनूपपुरा तहसील में जाखम नदी पर, कौन सी नदी पर, जाखम नदी पर जाखम बांध बना करके शुरू की गई है, प्रारंभ की गई है। तो जाखम परियोजना है वो कहाँ प्रारंभ की गई है, प्रतापगढ़ के अनूपपुरा तहसील में है। कौन सी नदी पर निर्मित की गई है, तो जाखम नदी पर निर्मित की गई है। और कौन सा बांध बनाया गया जाखम नदी पर प्रतापगढ़ के अनूपपुरा में, तो वो जाखम बांध बनाया गया है। और इसके द्वारा क्या होता है, ये परियोजनाएं जो निर्मित की गई है। अच्छा, एक चीज़ और मैं यहाँ पर बता देता हूँ आपके लिए, इस परियोजना के द्वारा प्रतापगढ़ और चित्तौड़गढ़ जिलों की जलापूर्ति की जाती है, जिलों के क्षेत्रों की जलापूर्ति की जाती है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है कि ये कौन कौन से क्षेत्रों के लिए जल की आपूर्ति करती है। तो ये करती है साहब राजस्थान के प्रतापगढ़ जिले और चित्तौड़गढ़ जिले के क्षेत्रों के लिए जल की आपूर्ति करती है, उनके लिए सिंचाई, पेयजल, विद्युत उत्पादन के लिए और व अन्य औद्योगिक क्रियाओं के लिए ये यहाँ पर जलापूर्ति करती है। तो हमको ध्यान देना है जाखम बांध कौन सी नदी पर बनाया गया, तो जाखम नदी पर, और कौन से क्षेत्र में बनाया गया है, तो वो प्रतापगढ़ के अनूपपुरा तहसील में बनाया गया है, और इसी पर ये परियोजना प्रारंभ की गई है। अगली जो परियोजना है ये भी बड़ी इंपॉर्टेंट है, सीधा क्वेश्चन आता है, कई बार आया हुआ भी है, मेजा बांध परियोजना। अब देखिए ये परियोजना कहाँ है, हमारे राजस्थान का एक जिला है भीलवाड़ा, राजस्थान का जिला है भीलवाड़ा, और उस भीलवाड़ा में एक तहसील पड़ती है मांडलगढ़ तहसील। कौन सी तहसील पड़ती है, मांडलगढ़ तहसील। तो भीलवाड़ा के मांडलगढ़ तहसील में एक नदी प्रवाहित होती है, एक नदी बहती है और उसका नाम है कोठारी नदी। बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है यहाँ पर कि कोठारी नदी कहाँ प्रवाहित होती है, तो भीलवाड़ा के मांडलगढ़ तहसील में प्रवाहित होती है, और वहाँ इस कोठारी नदी पर बांध बनाया गया है मेजा बांध। कौन सा बांध, मेजा बांध, और मेजा बांध बना करके ये परियोजना है जो शुरू की गई है, मेजा बांध परियोजना। आपसे पूछा जा सकता है कि मेजा बांध कौन सी नदी पर निर्मित किया गया है, तो वो कोठारी नदी पर निर्मित किया गया है। मेजा बांध कोठारी नदी पर कौन से क्षेत्र में बनाया गया है, तो वो भीलवाड़ा के मांडलगढ़ तहसील में बनाया गया है। ये हमको विशेष ध्यान देना है, इसीलिए इंपॉर्टेंट हो जाती है, एक नंबर का क्वेश्चन यहाँ से निकल करके आता है। मैं साथ के साथ क्वेश्चन आपको बनाता हुआ दिखा रहा हूँ, इसी प्रकार आप उन क्वेश्चनों पर भी ध्यान देना, आप खुद भी बनाना सीखिए कि किस प्रकार मैं बनाता हूँ क्वेश्चन। एक लाइन में से 2 क्वेश्चन कम से कम बनते हैं आराम से। कैसे, जैसे मैंने अभी बताया आपके लिए कि जो मेजा बांध है वो कौन सी नदी पर निर्मित किया गया है, तो कोठारी नदी पर निर्मित किया गया है। मेजा बांध कोठारी नदी पर कहाँ बनाया गया है, तो वो भीलवाड़ा के मांडलगढ़ तहसील में बनाया गया। ऐसे ही हो सकता है जाखम बांध कौन सी नदी पर निर्मित है, तो जाखम नदी पर। कहाँ बनाया गया है, तो प्रतापगढ़ के अनूपपुरा तहसील में बनाया गया है। आगे चलते हैं, अगली जो परियोजना है वो है सोम कमला अम्बा परियोजना। ये परियोजना भी बड़ी इंपॉर्टेंट है, सोम कमला अम्बा, बड़ा ही एक अजीब सा नाम है सोम कमला अम्बा, इसी से पता चल जाता है कि ये परियोजना है। अब देखिए यहाँ पर एक नाम दे रखा है सोम,
तो सोम से एक नदी है, नदी प्रवाहित होती है सोम नदी, ये उसी नदी पर निर्मित है। सोम क्या हो गई, एक नदी। कमला और अंबा दो गांव पड़ते हैं और वो पड़ते हैं डूंगरपुर जिले में। कहाँ पड़ते हैं, डूंगरपुर राजस्थान का बिल्कुल दक्षिणतम जिला है। डूंगरपुर और बांसवाड़ा दो जिले हैं और उनमें से डूंगरपुर जिले में एक गांव पड़ते हैं दो, कमला अंबा गांव। वहाँ से सोम नदी प्रवाहित होती है और उस सोम नदी पर ही यह परियोजना है वो शुरू की गई है। तो देखिए मैंने यहाँ लिख दिया है आपके लिए कि डूंगरपुर के कमला अंबा गांव में सोम नदी पर बांध बना करके ये परियोजना प्रारंभ की गई है। यह जो परियोजना है, इस परियोजना से क्या होता है, डूंगरपुर जिले की आसपुर तहसील है, एक डूंगरपुर जिला है उसमें एक तहसील पड़ती है आसपुर, और उदयपुर की संबलपुर तहसील की जलापूर्ति की जाती है। अब देखिए यहाँ से तीन क्षेत्रों के लिए पानी निकल रहा है, डूंगरपुर तो है ही है, डूंगरपुर में तो ये परियोजना स्थापित कर दी है, निर्मित कर दी है, उसके अलावा उदयपुर है, फिर बांसवाड़ा है, और यहाँ पर सबसे ज़्यादा आदिवासी लोग निवास करते हैं। कौन से लोग निवास करते हैं, आदिवासी, तो आदिवासी क्षेत्रों के लिए जलापूर्ति का कार्य भी ये करती है, ये भी आपको ध्यान देना है। आगे चलते हैं, अगली जो परियोजना है वो है सिद्धमुख परियोजना। वैसे इसका पूरा नाम है सिद्धमुख नौहर परियोजना, क्योंकि मैं बता दूं क्या होता है, हमारा जो राजस्थान के उत्तरतम जिले हैं गंगानगर और हनुमानगढ़, दो जिले पड़ते हैं राजस्थान के बिल्कुल उत्तर में स्थित हैं, तो उन गंगानगर और हनुमानगढ़ जिलों में स्थित क्षेत्रों के लिए जलापूर्ति का कार्य सिद्धमुख नहर परियोजना करती है। अब यह है क्या है साहब, ये बता देते हैं, तो यह परियोजना गंगानगर, हनुमानगढ़ और चूरू जिले की जलापूर्ति करती है। इस परियोजना से हनुमानगढ़ के नोहर और भादरा तहसील और चूरू के तारानगर और राजगढ़ क्षेत्रों के लिए जलापूर्ति की जाती है। इम्पोर्टेंट नहीं है ज़्यादा, लेकिन ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट बन जाता है कि सिद्धमुख परियोजना कौन से क्षेत्रों की परियोजना है, तो गंगानगर, हनुमानगढ़ और चूरू जिलों की परियोजना है। वैसे हनुमानगढ़ में ही है, अगर वास्तविक रूप से देखा जाए तो इस हनुमानगढ़ में ही पड़ती है, हनुमानगढ़ की तहसील है नोहर भादरा तहसील, वहाँ ये परियोजना है वो निर्मित की गई है सिद्धमुख परियोजना। तो हमको विशेष ध्यान देना है इन छोटे छोटे क्वेश्चनों की ओर विशेष ध्यान देना है। अभी आप इसको नोट कर लीजिए अपनी पेन कॉपी में और रिवाइज करते रहिए। इसी प्रकार अपनी पांचवी जो परियोजना है वो है राजस्थान की अन्य परियोजनाओं में जवाई बांध परियोजना। अब देखिए जवाई एक नदी है और इसीलिए इस पर क्या है, बांध बनाया गया जवाई बांध, और इसी पर परियोजना, इसी का नाम रख दिया जवाई बांध परियोजना। अब ये बनाया कहाँ गया, ये इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो देखिए जवाई बांध परियोजना है, यह परियोजना पाली जिले के, राजस्थान का एक जिला है पाली जिला, और उसमें एक क्षेत्र पड़ता है एरनपुरा। कौन सा क्षेत्र पड़ता है, एरनपुरा। तो उस एरनपुरा में एक नदी प्रवाहित होती है, कौन सी नदी, जवाई नदी। इस जवाई नदी पर जवाई बांध बनाया है यहाँ पर और इसको शुरू किया गया इस परियोजना को। तो जवाई बांध परियोजना कौन सी नदी पर निर्मित की गई है, जवाई नदी पर। जवाई नदी पर कौन सा बांध बनाया गया है, जवाई बांध बनाया गया है। कहाँ बनाया गया है, तो पाली के एरनपुरा में बनाया गया है, और तब ये जवाई बांध परियोजना है वो प्रारंभ की गई है। अगली जो परियोजना है वो है पांचना बांध परियोजना, और ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ से छोटा क्वेश्चन निकल करके आता है कि पांचना बांध निर्मित है या पांचना बांध कहाँ स्थित है, तो पांचना बांध कहाँ स्थित है वो मैं आपको बता देता हूँ। यह जो बांध है वो करौली जिले में एक गाँव पड़ता है गुड़ला गाँव, उस गाँव के समीप यह बांध निर्मित किया गया है पांचना बांध। यह बांध राजस्थान का एकमात्र मिट्टी से निर्मित सबसे बड़ा बांध है। ये हमारा सबसे ज़्यादा ध्यान देने वाला क्वेश्चन है कि राजस्थान का सबसे बड़ा और एकमात्र मिट्टी से निर्मित बांध कौन सा है, तो वो है पांचना बांध। और इसी पांचना बांध पर परियोजना प्रारंभ की गई है करौली जिले के गुड़ला गाँव में पांचना बांध बना करके, इसीलिए इसको पांचना बांध परियोजना कहा जाता है। इस बांध में, पांचना बांध की अगर मैं बात करूं तो इसमें पांच नदियां आकर के मिलती हैं, छोटी छोटी नदियां, स्थानीय नदियां जिनको बोलते हैं, उसी स्थान से प्रारंभ होकर उसी क्षेत्र में जाकर के इस बांध में गिरती हैं वो पांचों नदियां। इसलिए ये पांचों नदियों का क्या हो जाता है, एक नदियों का समूह होता है जो इसमें जाकर के गिरता है। और ये कौन कौन सी नदियां होती हैं, पहली जो नदी है वो है अटा, दूसरी है माची, तीसरी है भैंसावट, चौथी नदी है भद्रावती, और पांचवी जो नदी है वो है बरखेड़ा नदी। इसी प्रकार ये पांच नदियों का संगम है जो यहाँ पर इस बांध में आकर के गिरता है पांचना बांध में। कौन कौन सी नदियाँ, अटा, माची, भैंसावट, भद्रावती और बरखेड़ा नदियों का ये समूह है जो आकर के ये क्या है, इस बांध में गिर जाती हैं। इस प्रकार हमारी ये राजस्थान की अन्य प्रमुख परियोजनाएँ हैं, सभी परियोजनाएँ यहाँ पर समाप्त हो जाती हैं। राजस्थान की जो बहुउद्देशीय परियोजनाएं छोटी हैं और केंद्र सरकार द्वारा चलाई जा रही बड़ी परियोजनाएं भी हैं, कुछ राजस्थान की बड़ी परियोजनाएं
जैसे राजस्थान में मैंने बात की थी, चंबल परियोजना है, माही परियोजना है, बीसलपुर परियोजना है, इंदिरा गांधी नहर परियोजना है, और ये अन्य छोटी छोटी परियोजनाएं जैसे जवाई बांध परियोजना है, पांचना बांध परियोजना है, और जाखम परियोजना है, सिद्धमुख परियोजना है, और कई छोटी छोटी जो भी परियोजना थी वो मैंने आपके लिए लिखा दी हैं। आप उनको नोट करते चलिए और उनको लिखते चलिए और समय समय पर रिवाइज करते रहिए। हाँ, तो आगे चलते हैं। आगे हमने जब परियोजना पढ़ ली है तो उसके बाद में दो छोटे छोटे क्वेश्चन आते हैं और ये इतने इंपॉर्टेंट हैं कि इनमें से इतना एक क्वेश्चन वो पूछ ही लेता है। दो नंबर का क्वेश्चन पूछता है, कोई ज़्यादा बड़ी चीज़ नहीं है, थोड़ा सा ध्यान देने वाली बात है। अब देखिए यहाँ पर क्वेश्चन आता है कि जल स्वावलंबन से आप क्या समझते हैं। सीधा क्वेश्चन आता है बन करके, ये कोई अलग से नहीं है। जल स्वावलंबन से आप क्या समझते हैं, जल स्वावलंबन क्या है, जल स्वावलंबन अभियान क्या है, भारत सरकार के द्वारा चलाया गया जल स्वावलंबन अभियान क्या है। तो ये भारत सरकार के द्वारा चलाया गया अभी है और राज्य सरकारों को आदेश दिया गया है, तो राज्य सरकारों ने अपने अपने स्तरों पर भी ये अभियान चलाया है। इसके अंतर्गत क्या होता है वो मैं आपके लिए बता देता हूँ कि वर्तमान में भूजल स्तर में कमी होने क्या हो रहा है, पृथ्वी का जो जल स्तर है नीचे अंदर का वो गिरता जा रहा है। क्यों? क्योंकि वर्षा की कमी हो रही है, वृक्षों की कमी होती जा रही है, वर्षा में कमी आ रही है, अकाल और सूखे की संभावनाएं बढ़ती जा रही हैं, जिसके कारण क्या है, हम जो भूगर्भ में स्थित जल है उसी पर निर्भर हो गए और उसी का हम क्या कर रहे हैं, अधिकांशतः उपयोग कर रहे हैं, इसीलिए भूजल स्तर में कमी होती जा रही है। फिर दूसरी बात यह है कि जल की गुणवत्ता में भी कमी आती जा रही है। जो जल हम उपयोग में ले रहे हैं उसमें गुणवत्ता में कमी आ रही है, वो अधिकांशतः उसमें फ्लोराइड की मात्रा अधिक आ रही है जो उपयोग योग्य नहीं है, हमारे लिए अनेक प्रकार की बीमारियां भी पैदा कर रहा है, शारीरिक बीमारियां। तो जल की गुणवत्ता में भी कमी आ रही है और प्राचीन जल स्रोतों के नष्ट होने, यानी कि जो प्राचीन जल स्रोत जिनमें हम जल को इकट्ठा करते थे, जो प्राचीन काल में बनाए गए थे, वो धीरे धीरे क्षतिग्रस्त होते जा रहे हैं, टूटते फूटते जा रहे हैं, नष्ट होते जा रहे हैं। तो उनके नष्ट होने से और प्राचीन काल में निर्मित बांधों में, यानी प्राचीन काल में जो बांध निर्मित किए गए हैं, जो बांध बनाए गए हैं बड़े बड़े, उनके उनमें क्या है, मिट्टी की गाद का मतलब जो कचरा होता है वो बढ़ता जा रहा है धीरे धीरे, और धीरे धीरे गाद बढ़ने से क्या है, वो बांध है वो नीचे से भरते हुए जा रहे हैं, जिससे उसमें जो जल भरने की क्षमता है वो कम होती जा रही है। और तीव्रता से जनसंख्या वृद्धि हो रही है, ये सभी को पता है कि जनसंख्या भी धीरे धीरे बहुत अधिक रूप से बढ़ती जा रही है, जिसके कारण क्या हो रहा है, जल का दुरुपयोग अधिक हो रहा है। तो जल का दुरुपयोग अधिक हो रहा है जिसके कारण जल की कमी होती जा रही है, इसीलिए जल संकट की स्थिति उत्पन्न हो रही है। जल की कमी आती जा रही है, जल संकट की स्थिति उत्पन्न हो रही है। इसी संकट से निपटने के लिए, इसी समस्या से बचने के लिए भारत सरकार के द्वारा जल स्वावलंबन अभियान है वो चलाया गया है, इसी समस्या से बचने के लिए। अब मैंने यहाँ पर आपके लिए चार लाइनों में ये पूरा उत्तर है वो दिया है कि वर्तमान में भूजल स्तर में कमी होने, जल की गुणवत्ता में कमी होने, प्राचीन जल स्रोतों के नष्ट होने, प्राचीन काल में निर्मित बांधों में मिट्टी का गाद या कचरा बढ़ने, और तीव्रता से जनसंख्या वृद्धि के कारण जल का दुरुपयोग अधिक होने से जल संकट की एक स्थिति है वो उत्पन्न हो गई है। इसी जल समस्या से बचने के लिए भारत सरकार द्वारा जल स्वावलंबन अभियान है वो चलाया गया है। अब बात चलते हैं इसी का एक दूसरा क्वेश्चन और बन के आता है, क्योंकि केंद्र सरकार ने आदेश दिया राज्य सरकारों को कि साहब इसी यो अभियान है, इसको आगे बढ़ाओ और इस अभियान को आगे बढ़ा करके और इसमें अपनी अहम भूमिका निभाओ। तो इसका दूसरा क्वेश्चन बन के आता है, साहब मुख्यमंत्री जल स्वावलंबन अभियान क्या है, क्योंकि अलग अलग राज्य सरकारों द्वारा चलाया गया है जल संकट से बचने के लिए, तो ये हमको इस पर भी विशेष ध्यान देना है। पिछले साल जो क्वेश्चन आया हुआ है वो यही आया हुआ है, मुख्यमंत्री जल स्वावलंबन अभियान क्या है, तो हमको विशेष ध्यान देना है। अब यहाँ पर हमने वही चीज़ पढ़ी है कि ये चीज़ें नष्ट होती जा रही हैं जिससे जल संकट की स्थिति उत्पन्न हो रही है, तो राज्य सरकारों ने क्या किया, उनका पुनर्निर्माण किया है, उनमें सुधार की कोशिश की है। तो देखिए राज्य सरकारों द्वारा भविष्य में जल की कमी और दुरुपयोग से बचने के लिए, यानी जल की कमी ना हो भविष्य में और उसका सही उपयोग हो, उससे बचने के लिए, उससे निपटने के लिए यह अभियान चलाया है। इसके अंतर्गत भूजल स्तर में वृद्धि करने, यानी पृथ्वी के नीचे का जो जल स्तर है वो गिरता जा रहा है, उसमें वृद्धि करनी है। अब उसके लिए क्या करना है, या तो पर्यावरण को संरक्षित करो, उसमें पेड़ पौधे लगाओ जिससे वर्षा हो, अकाल व सूखे की समस्या से बचें, जल की गुणवत्ता में सुधार करने, यानी जो जल हम उपयोग में ले रहे हैं उसकी गुणवत्ता में भी सुधार करना है, तो उसमें सुधार करने, प्राचीन जल स्रोतों का पुनर्निर्माण करने, जो जल स्रोत नष्ट हो गए हैं या जो क्षतिग्रस्त हो गए हैं उनका दोबारा से क्या करना है, पुनर्निर्माण करना है, उनको फिर से नया करके जीवित रखना है उनको,
बांधों से कचरे को साफ करने, जो बांध भरते जा रहे हैं कचरे के द्वारा या गाद के द्वारा, उनमें क्या है वो कचरा है वो साफ करना है, जिससे जो बांध की जो गहराई है वो यथावत बनी रहे और उसमें अधिक से अधिक जल है वो सिंचित किया जा सकता है, इकट्ठा किया जा सकता है। जल का सीमित उपयोग करने, और जल का अधिकांशतः जो जनसंख्या बढ़ने के कारण दुरुपयोग होता है वो सीमित उपयोग हो, उतना ही उपयोग हो जितना आवश्यकता है। इसके लिए राज्य सरकारों द्वारा एक अभियान चलाया गया है जिसको नाम दिया गया है मुख्यमंत्री जल स्वावलंबन अभियान। अब एक बार फिर से देख लेते हैं, राज्य सरकारों द्वारा भविष्य में जल की कमी और दुरुपयोग से बचने के लिए यह अभियान चलाया गया है। इसके अंतर्गत भूजल स्तर में वृद्धि करने, जल की गुणवत्ता में सुधार करने, प्राचीन जल स्रोतों का पुनर्निर्माण करने, बांधों से कचरे को साफ करने और जल का सीमित उपयोग करना ही इस अभियान का प्रमुख उद्देश्य है। तो हमको यहाँ पर इन चीज़ों की ओर ध्यान देना है कि ये चार लाइनें क्या क्या कह रही हैं, हमको ज़्यादातर इसी चीज़ में ध्यान, और दोनों का उत्तर भी सेम ही है। एक में कारण बताए गए हैं कि ये क्यों चलाया गया है जल स्वावलंबन अभियान, और एक में बताया गया कि ये अभियान चलाया गया है तो इसमें क्या उन्होंने नया किया है इस समस्या से बचने के लिए। आप अपनी कॉपी पेन निकाल करके इसको नोट कर लीजिए, बाकी धीरे धीरे रिवाइज करते रहिए। हाँ तो बच्चों आगे चलते हैं, अगला जो क्वेश्चन आता है वो आपका आपकी किताब में दे रखा है कि अब जल है उसको सुरक्षित रखने के लिए, संरक्षित रखने के लिए कौन कौन सी तकनीकों का उपयोग किया जाता है, हम क्या करते हैं जल को सुरक्षित रखने के लिए, संरक्षित रखने के लिए, प्रबंधन करने के लिए उसका। तो कुछ तकनीक दी गई हैं, कुछ उपयोग या कह सकते हैं कि कुछ ऐसी चीज़ें, ऐसी विधियाँ बनाई गई हैं जिनसे हम जल को संरक्षित रख सकते हैं। जैसे क्वेश्चन बन के क्या आता है पहले तो वो देख लीजिए कि क्वेश्चन क्या आएगा। अगर बड़ा क्वेश्चन आता है, निबंधात्मक क्वेश्चन आता है, तो 3 नंबर का एक ही क्वेश्चन आता है और वो कैसे आएगा, परंपरागत जल संरक्षण की तकनीक कौन कौन सी हैं, किन्हीं दो को समझाइए। अगर क्वेश्चन बड़ा आता है तो वो सीधा क्वेश्चन देगा कि परंपरागत जल संरक्षण की तकनीक कौन कौन सी हैं। परंपरागत, परंपराओं से चली आ रही, यानी प्राचीन काल से चली आ रही जल संरक्षण की तकनीक कौन कौन सी हैं। परंपरागत का मतलब परंपरा क्या होती है, जो प्राचीन काल से चली आ रही होती। तो जल संरक्षण की तकनीक कौन कौन सी है परंपरागत, किन्हीं दो का वो वर्णन कर पाएगा। अगर ऐसा नहीं आएगा तो अथवा में क्या क्वेश्चन आएगा, या फिर क्वेश्चन बदल करके आ सकता है, मैं यहाँ अथवा में लिख दिया है कि जल संरक्षण की तकनीकों का वर्णन करो। जल संरक्षण की कुछ तकनीक दे रखी है आपकी किताब में, उनका वर्णन करवा रहा है वो। या फिर क्वेश्चन आएगा कोई एक आ सकता है कि राजस्थान में बावड़ी क्या है समझाइए, जल संरक्षण की तकनीक है बावड़ी उसको समझाइए, या तालाब क्या है, या ये मैंने तकनीक दे रखी है, या इनके बारे में किसी के बारे में, एक के बारे में वो पूछ सकता है आपसे। या छोटे छोटे क्वेश्चन बन के आते हैं, वो मैं आपके लिए बताता चलूँगा कौन कौन से क्वेश्चन बन के आएंगे। ये बड़ा क्वेश्चन है, ये इनमें से किसी एक के बारे में पूछेगा तो वो छोटा क्वेश्चन बन जाएगा, 2 नंबर का या 1 नंबर का जैसा भी आएगा। इनके अंदर से अगर पूछेगा तो वो कैसे पूछेगा, क्या क्वेश्चन पूछ सकता है, वो मैं आपके लिए बता रहा हूँ आगे। तो हम इस क्वेश्चन का आंसर है वो मैंने यहाँ पर लिख दिया है, और उसमें लिखा है कि परंपरागत जल संरक्षण की तकनीकें जो हैं वो निम्नलिखित हैं, कौन कौन सी हैं वो आगे हैं। पहली है बावड़ी, यानी क्या होता है धरातल में प्राचीन काल में जो राजशाही जो ठाटवाट होते थे उनमें राजा महाराजा रहते थे, वो क्या करते थे अपने मकानों के मध्य में और एक तालाब नुमा एक झील का निर्माण करवाते थे, एक छोटी सी बावड़ी होती थी जिसमें क्या है वो पानी भर दिया जाता था और उसके चारों ओर स्तंभ खड़े कर दिए जाते थे, तो इनको मेहराब बोलते हैं, स्तंभों को क्या बोलते हैं मेहराब, और उन पर कलात्मक चित्रकारी की जाती थी उन स्तंभों पर, और जल देवता की मूर्तियां लगा दी जाती थी। वो बावड़ी होती है उसमें पानी भर दिया जाता था और उसमें उतरने के लिए सीढ़ियाँ बनाई जाती थी, सीढ़ियाँ अधिकांश मंदिरों में भी ये सीढ़ियाँ मिलती हैं बावड़ियों में। दूसरा है तालाब, आप सभी इस चीज़ को भेग हो, बिल्कुल जानकार हो इस चीज़ से, तालाब क्या होता है आपने देखा भी है, अधिकांश तालाब आपने देखे हैं धरातल पर, सीमित धरातल होता है उस पर बनाए जाते हैं। जोहड़, ये सेखावाटी क्षेत्र में बनाया जाता है, एक गड्ढा बनाया जाता है जिसमें पानी को एकत्रित कर लिया जाता है और धीरे धीरे उसका उपयोग है वो किया जाता है। टांका, टांका आजकल सभी लोग जानते हैं, घरों में टैंक बनाते हैं पानी भरने के लिए, ऐसे ही पश्चिमी राजस्थान में लोग क्या करते हैं वर्षा जल को इकट्ठा करने के लिए टांकों का निर्माण कर देते हैं। बेरी या कोई तालाबों के मध्य में क्या है गहरा गड्ढा खोद करके और उसको दीवारों से दीवार बना दी जाती है, पक्की दीवार, और उसके मध्य में पानी भर दिया जाता है जिसको बेरी या कोई कहते हैं, छोटा कुआं जिसको बोला जाता है, वो तालाबों के मध्य होता है। लेकिन ये खड़ीन, अब पश्चिमी राजस्थान में क्या होता है जैसलमेर में
पालीवाल ब्राह्मण एक जाति पाई जाती है, उनके द्वारा क्या होता है पर्वतीय जो क्षेत्र होते हैं पहाड़ी क्षेत्र होते हैं उन पर दीवार बना करके वर्षा के जल को इकट्ठा किया जाता है। अगर ज़्यादा जल भर जाता है तो उसको एक कोने से निकाल दिया जाता है अतिरिक्त जल को, और उसके द्वारा कृषि संचयन का कार्य होता है, कृषि को सिंचित किया जाता है, वो कहलाती है खड़ीन। तो ये चीज़ है। ऐसे ही नाड़ी है, नाड़ी भी तालाब का एक छोटा रूप होता है, और झील, झीलों से आप सभी वाकिफ हैं, झीलें किस लिए बनाई जाती हैं और कैसे बनाई जाती हैं। तो ये चीज़ें हमारी जल संरक्षण की तकनीकें हैं, जल को सुरक्षित रखा जाता है, इनमें इकट्ठा कर लिया जाता है और फिर धीरे धीरे उनका उपयोग है वो लिया जाता है। अब हम पहला जो अध्ययन कर रहे हैं, हमारी पहली कौन सी तकनीक है, वो है बावड़ी। अब हम बावड़ी के बारे में पढ़ रहे हैं, यहाँ पर बावड़ी है क्या, कैसी होती है ये, और इसका क्वेश्चन क्या बन करके आ सकता है। तो पहला ही क्वेश्चन ये दे सकता है कि बावड़ी क्या है, समझाइए। तो यहाँ पर मैंने लिख दिया है कि जल संरक्षण की प्राचीन व सबसे अधिक महत्वपूर्ण तकनीक है। प्राचीन काल से चली आ रही है ये, राजा महाराजाओं के शासनकाल से चली आ रही है। उन्होंने इसका बहुत उपयोग किया अपने महलों में, अपने मंदिरों में, जो भी उनका मुख्य जो आधारशिला होती थी वो बावड़ियों से ही होती थी। वो इसमें क्या करते थे, जल को इकट्ठा करते थे। तो ये प्राचीन व सबसे अधिक महत्वपूर्ण तकनीक है। इसका आकार जो होता है बावड़ी का, वो आकार चतुष्कोणीय होता है, यानी कि चारों ओर से होती है, चार कोण होते हैं इसके, बिल्कुल बर्तुलाकार यानी कि वर्गाकार जैसी स्थिति होती है, थोड़ी ऊर्ध्वाधर होती है, उठी हुई स्थिति होती है, गोल होती है, गोल बावड़ी भी होती है, गोल रूप में बना दी जाती है, लेकिन इसमें नीचे उतरने के लिए सीढ़ियाँ बनी हुई होती हैं। चाहे आकृति कैसी भी हो लेकिन इसमें नीचे उतरने के लिए सीढ़ियाँ बनी हुई होती हैं, और इसका जो मार्ग होता है उसमें ईंटों और पत्थरों से कलात्मक आकृतियाँ बनाई जाती हैं, मेहराब स्थिति या स्तंभ या झरोके बनाए जाते हैं, और वो ईंट और पत्थरों से अलग अलग कलात्मक बनाई जाती हैं जो अच्छी और सुंदर दिखाई देती हैं, कलात्मक बिल्कुल। और इसके किनारों पर स्तंभ या मेहराब खड़े होते हैं, मेहराब स्तंभ को ही कहते हैं, लेकिन वो चित्रकारी होती है, उन पर चित्र बने हुए होते हैं, अलग अलग चित्रकारी होती है, जिन पर जल देवता की मूर्तियाँ होती हैं, और लास्ट में जाकर के जो मुड़ाव की स्थिति आती है उस पर जल देवता की मूर्तियाँ बनी हुई होती हैं। तो ये बावड़ी होती हैं, इसमें जल को इकट्ठा किया जाता है और फिर उपयोग में लिया जाता है। अब क्वेश्चन जो बन के आता है, बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, राजस्थान में सबसे ज़्यादा बावड़ियाँ जो पाई जाती हैं, राजस्थान की अगर बात करें तो सबसे ज़्यादा बावड़ी जो पाई जाती हैं वो बूंदी ज़िले में पाई जाती हैं। कौन से ज़िले में पाई जाती हैं, बूंदी ज़िले में पाई जाती हैं। इसीलिए इस राजस्थान के बूंदी ज़िले को सिटी ऑफ स्टेप बेल्स कहा जाता है। क्या कहा जाता है, सिटी ऑफ स्टेप बेल्स, अर्थात बावड़ियों का शहर कहा जाता है। बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि बावड़ियों का शहर किस ज़िले को कहा जाता है या किस क्षेत्र को कहा जाता है, तो वो राजस्थान के बूंदी ज़िले को कहा जाता है, क्योंकि यहाँ सबसे सर्वाधिक मात्रा में बावड़ियाँ पाई जाती हैं, इसीलिए इसको सिटी ऑफ स्टेबल्स या बावड़ियों का शहर है वो कहा जाता है। अभी आप इसको नोट कर लीजिए, आगे बावड़ी की कुछ चीज़ें और हैं। तो बूंदी सिटी ऑफ स्टेबल्स हो गया आपका, बावड़ियों का शहर हो गया। उसी के अलावा राजस्थान की अन्य प्रमुख कुछ बावड़ियाँ दे रखी हैं जो प्रसिद्ध हैं सर्वाधिक, और इनमें से कई बार क्वेश्चन पूछा हुआ है, और ये आपकी चार बावड़ी दे रखी हैं जो आपकी किताब में दे रखी हैं, प्रसिद्ध बावड़ियां हैं, आपको बिल्कुल इनको इग्नोर नहीं करना है, ध्यान से देखना है, क्योंकि कई बार पूछी जाती हैं। अब एक बावड़ी पड़ती है तापी बावड़ी, अच्छा एक और बावड़ी है इसी का मैं आपको बाद में बताऊँगा, वो तापी बावड़ी है वो पड़ती है जोधपुर में, बिनाता बावड़ी है वो है चित्तौड़गढ़ में, भांडारेज बावड़ी है दौसा में, दौसा में एक स्थान पड़ता है भांडारेज और वहाँ पर बावड़ियाँ स्थित हैं इसलिए उनको भांडारेज की बावड़ियाँ कहा जाता है, वो दौसा में स्थित हैं। आगे है चांद बावड़ी, ये भी दौसा में स्थित है, आवानेरी की चांद बावड़ी प्रसिद्ध हैं, आवानेरी दौसा में एक स्थान पड़ता है जहाँ पर यह चांद बावड़ी पाई जाती हैं और ये दौसा में पड़ती हैं। यहाँ एक भूल भुलैया मार्ग भी स्थित है जो बहुत ही ज़्यादा प्रसिद्ध है, यहीं बनाया गया राजस्थान में एकमात्र भूल भुलैया मार्ग बनाया गया है जो राजस्थान के दौसा में आभानेरी में बनाया गया है इन्हीं चांद बावड़ियों के पास में, तो ये हमको ध्यान रखना है। तो ये हमारी राजस्थान की प्रमुख बावड़ियां हैं जो आपको ध्यान रखना है। क्वेश्चन सीधा बन करके आता है तापी बावड़ी स्थित है तो वो जोधपुर में, या चित्तौड़गढ़ में कौन सी बावड़ी स्थित है तो आपको ध्यान देना है बिनाता बावड़ी, ऐसे ही दौसा में कौन कौन सी बावड़ियाँ प्रसिद्ध हैं तो भांडारेज की बावड़ियाँ और चांद बावड़ी आभानेरी की, तो ये प्रसिद्ध है। ऐसे इनमें से छोटे छोटे क्वेश्चन है वो बन करके आते हैं, आपको ध्यान देना है, इनको नोट कर लीजिए बावड़ियाँ। आज लेक्चरर में इतना ही, आज के लेक्चर में, कल के लेक्चर में हम बाकी बची हुई संरक्षण की जो तकनीक हैं उनको पढ़ेंगे। आप अपनी पेन कॉपी लेकर के इनके नोट्स बनाइए, तब तक के लिए धन्यवाद।